डिस्प्लेस हो जाता है किसी मेटल से, मतलब एसिड में से हाइड्रोजन हट गया उसकी जगह कोई मेटल आ गया। वेरी गुड, एसिड का हाइड्रोजन हट गया तो नेगेटिव आयन ये बचता है, मेटल कौन सा अवेलेबल है? सोडियम। उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? सोडियम आयन इज Na प्लस, सल्फेट इज SO4 टू माइनस, Na2SO4। हमारे पास इक्वेशन बन गई है, अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस के बारे में बता, उसके पास थोड़ी कम थी, उसके पास थोड़ी ज्यादा थी, बट सबको कुछ ना कुछ रफ आइडिया था। अब ये स्किल आपको, ओनली दिस स्किल इज नॉट एनफ, आपको इससे नेक्स्ट लेवल की स्किल चाहिए, वो ये कि अगर आपको ठीक से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी ना पता हो, मतलब आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला भी ना पता हो, स्टिल आप बैलेंस्ड इक्वेशन बना लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कहा जाए जस्ट एक इतनी सी स्टेटमेंट आपको लिख दी जाए कि थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अ ग्रुप वन मेटल नाइट्रेट, सिर्फ एक ये स्टेटमेंट लिख दी जाए, ये भी नहीं बताया होगा कि मेटल कौन सा है, सिर्फ ये बताया होगा कि वो ग्रुप वन का है। इस इंफॉर्मेशन को लेके आपने ना सिर्फ इक्वेशन बनानी है बल्कि बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी है। अब वो कैसे बनानी है? ये एक स्किल है, ये मस्ट है, जो ए लेवल के बहुत टफ मॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें और ओ लेवल के इजी क्वेश्चन में मेन डिफरेंस दो चीजों का, एक स्किल का और एक लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिटेल का। ये दो कॉन्सेप्ट आपके जो है इन डेप्थ ए लेवल में आते हैं जो क्वेश्चन को मुश्किल बना देते हैं। अब इसको समझने के लिए आप देखें, हमें जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक इन्फॉर्मेशन उसी से यूज करके बड़ी आसानी से हम ये काम कर लेंगे। कैसे? हमें पता है कि भाई ग्रुप वन मेटल का नाइट्रेट है, ग्रुप वन मेटल कौन प्लस वन प्लस वन चार्ज मेटल एम ले लेते हैं, मेटल एक्स ले लें, मेटल वाई ले लें, कुछ भी ले लें। हमें ये पता है कि ग्रुप वन का तो चार्ज उस पर प्लस वन का होगा और नाइट्रेट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? नहीं बेटा, NO3 वन माइनस होता है। ठीक है, अब ये हमें पता है, इनको क्रिस क्रॉस हमने किया, प्लस वन था माइनस वन था, क्या होना? MnO3। अब वो जो रिएक्शन पैटर्न आप लोगों ने लिखे हुए हैं वहां से कोई देख के मुझे बताए। वेरी गुड, जो रिएक्शन पैटर्न मैंने लिखवाए हुए हैं जो आप लोगों को आज ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जब ग्रुप वन के मेटल नाइट्रेट्स डीकंपोज होते हैं थर्मली, मेटल नाइट्रेट बोलने दो तो दे फॉर्म, बेटा इस तरह से सबका सिस्टम टूट जाता है, मैं एक सेंटेंस की तरफ उनका ध्यान होता है, इसलिए मैं पूछूं आपसे मुखातिब करके उस टाइम पे आंसर दिया जाए। अच्छा, रिएक्शन पैटर्न जो आपके साथ आज ग्रुप में शेयर हो जाएंगे उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जब ग्रुप वन मेटल्स के नाइट्रेट्स थर्मली डीकम्पोज होते हैं तो दे फॉर्म मेटल नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन। उसमें दो प्रोडक्ट्स होती हैं, मेटल नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन, मतलब इसी मेटल का नाइट्राइड बनेगा। इसका फॉर्मूला है प्लस वन, नाइट्राइड का क्या फॉर्मूला होता है? अब हमने एम को लेके इसी तरह इक्वेशन बैलेंस कर लिया,
यस था फिर वो के साथ कन्वर्ट होगा कोई और तरीका बताएं होल नंबर्स में सर उनके साथ और लाइक वर्जन 2 और एवन 3 के साथ टू लगा वेरी गुड अब सारे ध्यान से समझें कि हमने बहुत आसानी से कितना क्लास का काम कर लिया है हमें पता ही नहीं है कि चीजें क्या रिएक्ट कर रही है हमने फिर भी बैलेंस करने के लिए इक्वेशन बना ली आप सोचेंगे कितने काम की चीज है हमें इनमें से किसी एक चीज का मैस पता चल जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं कि ये मेटल कौन सा था और यही वो क्वेश्चन है ये लेवल के गोल्स के जिसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं समझे वो आपसे इस तरह इक्वेशन भी नहीं देगी कुछ भी वो आपको कहेंगे कि हमने फिर ग्रुप वन मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज कराया तो इतना डेसिमेटेड ट्यूब ऑफ गैस प्रोड्यूस हुआ बताएं मेटल कौन सा था ये का प्रॉब्लम का सवाल था लेकिन नहीं ये बेसिक्स पे अगर आपको पूरी कमांड है तो ये बहुत आसान सवाल है आप इसके मोल्स निकालेंगे इसके मोल्स यूज करके आप इसके मोल्स निकालेंगे अब इसका मैस अगर आपको पता है इनिशियली कि आपने कितना डीकंपोज किया था तो मोल्स भी आ गए मैस पे आ गए एमआर निकाल लेंगे एमआर आ गए तो उसमें से NO3 का माइनस करके इसका एआर निकाल लेंगे उस एआर को पीरियोडिक टेबल में ढूंढेंगे आपको पता चल जाएगा मेटल कौन सा ठीक है अच्छा अब इसी चीज की प्रैक्टिस के लिए एक सिंपल इक्वेशन आप लोगों को दे रहा हूं आप लोगों ने खुद उसकी बैलेंसिंग इक्वेशन बनानी है क्लूज आपको मैं दे दूंगा क्योंकि अभी आप लोगों को याद नहीं है जैसे कि अच्छा जी ये दो हैं थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अ ग्रुप टू मेटल कार्बोनेट एंड थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अ ग्रुप टू मेटल नाइट्रेट अब इनके पैटर्न्स जो हैं वो क्या होते हैं जब मेटल कार्बोनेट डीकंपोज करता है ग्रुप टू मेटल्स का तो उसमें बनता है मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको रिएक्शन पैटर्न से पता चलेगा जब नाइट्रेट डीकंपोज करते हैं ग्रुप टू मेटल्स के तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which is NO2 plus O2 ठीक है ये आपको रिएक्शन पैटर्न्स याद रखने हैं अब ये आपको रिएक्शन पैटर्न्स भी याद है अब जरूरी जो कार्बोनेट और नाइट्रेट इन दोनों आयंस के फार्मूला नाइट्रेट का ये लिखा हुआ है कार्बोनेट का ये लिख देता हूं CO3 2- इस इंफॉर्मेशन को यूज करके इन दोनों रिएक्शंस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आपने बनानी है आपके पास है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ग्रुप टू मेटल नाइट्रेट अब ये फार्मूला सबने बना लिया था कुछ ने आसानी से कुछ ने मुश्किल से उसके बाद ये भी कुछ ने आसानी से कुछ ने मुश्किल से ये सबने आसानी से बना लिया था क्योंकि ये मैंने पहले से लिखा हुआ था और ये भी अब इसको हमने बैलेंस करना है बैलेंस करते हुए देखें हम बारी बारी चीजों को देख रहे हैं मेटल है यहाँ पे एक एटम है उसका यहाँ पे भी एक है बैलेंस्ड है नाइट्रोजन यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है यहाँ पे टू लगा दिया हमने अब बारी आ गई ऑक्सीजन की ऑक्सीजन पे आपके पास कहते सारे अब हम क्या करें यहाँ तक सब निकल गया ऐसे कि अब इसको देखिए जब आप इक्वेशन बैलेंसिंग के दौरान फंस जाए तो उसकी एक छोटी सी टिप है जो आपको काम आएगी आपने देखा है आपका कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं हो रहा है ऑक्सीजन नहीं हो रहा है आपने पूरी इक्वेशन में ढूंढना है ऑक्सीजन कहाँ पे ऑड नंबर में है ऑड नंबर इवन नंबर सबको पता है ना यस सर मैथमेटिक्स है क्लास 1 की ऑड नंबर में कहां पे ऑक्सीजन यहां पे टोटल ऑक्सीजन है 3 × 2 = 6 ये 6 ऑड नंबर है या इवन 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 ब्रिलियंट शाबाश ये कौन सा है 1 है ऑड नंबर है यहां पे 2 × 4 2 बाकी सारे इवन नंबर है ऑड नंबर 1 है हम इस ऑड नंबर की वजह से फंसते हैं हमेशा इसका हल ये है कि जहां पे ऑड नंबर आ रहा है उसको पहले आप इवन में कन्वर्ट कर लें कैसे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2 जब आप वो कर लेंगे बाकी बैलेंसिंग उस हिसाब से चेंज कर लेंगे यहां पे आपने लगा दिया तो इस गैप इवन में कन्वर्ट हो गया अब उसके हिसाब
से आप देखें कि मेटल एन की बैलेंसिंग खराब हो गई है, उसको चेंज कर देते हैं, वो भी बैलेंस हो गया। अब इस टू की वजह से नाइट्रोजन की बैलेंसिंग खराब हो गई है, तो उसको भी फोर कर देते हैं, उसको फोर कर देते हैं, सही हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करें, 2, 3, 6, 6, 2, 12, यहाँ पे 2, 8 and 2, 12 पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। याद रखें जब भी फंस जाए इक्वेशन बैलेंसिंग के दौरान, तो ढूंढें जिस जो एलिमेंट फंसा रहा है आपको वो ऑड नंबर में कहाँ पे है, उसको इवन में कन्वर्ट कर लें, बैलेंसिंग हो जाएगी, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें। हम लोग जी ये जो ऑड नंबर है उसको बस देखना है ना, हमें ढूंढना है कि ऑड नंबर है कहाँ पे, उसको फिर इवन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके हिसाब से बैलेंसिंग अपनी एडजस्टमेंट। वैसे जब हम जैसे कि बैलेंसिंग कर रहे होते हैं तो 1/2 का इस्तेमाल जाए, 1/5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोन क्या रिंग्स की लेयर्स सारे मिलके देना पेपर ए ग्रेड आ जाएगा। बेटा सब सुने, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, आपको सबको पहले से भी पता है, ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। कार्बन, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फ्री टू मूव। उसके अलावा क्या होता है, दे फॉर्म लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, उन लेयर्स के बीच में होती है वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इस वजह से जब हम जैसे लेड पेंसिल है दैट इज ग्रेफाइट, तो जब आप लिखते हैं तो वो वीक फोर्सेस की वजह से पूरी लेयर उतर जाती है। अब सपोज करें कि उसकी एक लेयर आपने आइसोलेट कर दी है किसी तरह से, एक लेयर अकेली जिसकी थिकनेस होगी 1 एटम थिक, वो जो एक लेयर होगी वो एक शीट होगी बहुत बड़ी सी, लेकिन वो हमें नजर भी नहीं आएगी क्योंकि उसकी थिकनेस 1 एटम थिक है, मतलब एक्सट्रीमली थिन है वो, दैट वन लेयर इज कॉल्ड ग्रेफीन। तो इसमें सेम वही चीज है, जी बेटा ये नहीं चीज है, ये नैनो पार्टिकल्स की कैटेगरी में आती है, इट इज स्टिल सॉलिड बट इट इज सच अ टाइनी सॉलिड, such a thin solid which is not visible without an electron microscope, its thickness is just 1 atom thick, it is 1 atom thick. कार्बन कार्बन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड,
कुछ प्रॉपर्टीज ग्रेफाइट वाली होंगी जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट था, ये हार्ड होगा। क्यों? ग्रेफाइट लेयर फोर्सेस वीक, वैंडरवाल फोर्सेस भी थी, इसमें एक ही लेयर है तो सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये हार्ड होगा। जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसे भी, ये भी उसकी तरह एग्जैक्टली उतना ही रिएक्टिव होगा जितना वो होता है। ये क्यों होगा रिएक्टिव? ये क्यों होगा रिएक्टिव? ये क्यों कार्बन ग्रेफाइट से होता है? लेकिन बेटा स्टिल तीन बॉन्ड्स जो हैं वो तो इसमें है ना, मेरे पास बॉन्ड्स ब्रेक करना एक और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन तीन बॉन्ड जो हैं अगर एक कार्बन को आइसोलेट करना है तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, फिर कुछ रिएक्शन होगा, तो तीन बॉन्ड से घिरा हुआ स्टिल कार्बन है। लेकिन यस रिलेटिवली ये थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, ग्रेफाइट के निस्बत इसलिए रिएक्टिव होते हैं क्योंकि लेयर्स इसकी उस तरह से दोनों साइड से कवर्ड नहीं है। ये टू डी, ये टू डी स्ट्रक्चर आप बताएं, टू डी कौन सी टाइप है, टाइप कौन सी है? सेंट्रल एटम के अराउंड देखो ना, ये एक सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 3। तो ए बी 6 कैसे होगा? ए बी 3 है ये, यस यू आर राइट, ये टू डायमेंशनल है, ए बी 3 है, हमेशा टू डायमेंशनल है। सर ऊपर वाले में कार्बन एंड ऑक्सीजन ही रहते हैं, वो दूसरे वाले के साथ है, मेरा बहुत बड़ी है, ट्रिलियंस ऑफ एटम्स मिला के 120 के अंदर हो सकता है। सारे इधर ध्यान दें, देखिए ये मेरे पास सिप्टेली का फोन है, ठीक है, अब इसमें हमारे पास, अब ये मैंने बटन किया तो बटन दबाया तो अंदर किसी सर्किट ने करंट रिसीव किया, यहाँ पे मैं जब ये कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे ये चीज़ें खुल गई हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे क्या चीज़ डिटेक्ट करी? ग्लास तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इस ग्लास के अंदर एक लेयर है ग्रेफीन की जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकती है लेकिन हमें नजर भी नहीं आ रही क्योंकि वो एक्सट्रीमली थिन है। ये जो आपके टच स्क्रीन फोन्स हैं इन सब के अंदर जो टच डिटेक्ट करने वाली चीज है दैट इज ग्रेफीन, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये बनाना छोड़ दे तो आप बहुत बढ़ जाएंगे। तो मैं जरा आज थोड़ा सा ग्रेफीन की टेस्टिंग आज थोड़ी ज्यादा करनी, मुझे एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफी सारी ग्रेफीन की जरूरत है। सर अब ये यूज देखिए, इसके अलावा और भी जो बेटा, इसके अलावा और भी जो छोटे ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है या टच डिटेक्ट करना है स्पेशली, वहाँ पे ये यूज होता है। सर इवन बैटरीज में भी यूज हो रहा है क्योंकि फ्यूचर में मतलब सर वो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स में होता है, बिल्कुल यस वेरी गुड, क्या चीज मैल्यूबल कौन पूछ रहा है? मैल्यूबल बेटा, मैल्यूबल का मतलब होता है लेयर उतर जाना या अरे इसमें तो लेयर भी है, उसको उठा के जाना फिर अभी एक जिस तरह बाकी बॉल था उसमें क्या था, ईच कार्बन एटम वाज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स, उसमें रिंग्स बनी हुई थी दो तरह की, पांच और छह
पांच वाली भी और छह वाली भी। पांच वाली को कहते हैं पेंटागोनल, छह वाली को कहते हैं हेक्सागोनल। और इतना जो मैंने वो कुछ समझाना है इतना बंदे। तो देखें जैसे इसके चार कोने हैं ना, इस तरह अगर पांच कोने हो तो बोलते हैं पेंटागोनल, और अगर छह हो तो बोलते हैं हेक्सागोनल। समझ आ गया? अच्छा जी, हफ्ता बात। अच्छा जी, पांच और छह पेड़ हैं। अब वो वाली चीज जो थी उन्हें रिंग्स का अरेंजमेंट किस तरह की थी, स्फेरिकल थी तो बकीबॉल बन गया था। अगर वो स्फेरिकल की बजाय लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ट्यूब से बन दी जाए कि ये जो रिंग्स हैं ये इस तरह से एक ट्यूब की फॉर्म लेते हैं लंबी सी, लेकिन बहुत पहले की बात, उस टाइम मैं नहीं पैदा हुआ।
ठीक है। अब जो है वो छोटे छोटे खूबसूरत लैपटॉप्स, बल्कि आपके सेल फोन, इन सेल फोन के अंदर पूरे पूरे कंप्यूटर्स हैं, प्रोसेसर लगे हैं, सब कुछ। ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम जो अंदर सर्किट्स हैं और रेजिस्टर्स हैं उनके साइजेस को छोटा कर दिया हमने। उनके पहले हमने एक रेजिस्टर बनाना था तो हम लेते थे एक कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर, उसको ऐसे ऐसे कॉइल करके हम रेजिस्टर बना लेते थे, वो उसका साइज का मतलब इतना होता था। अब वो रेजिस्टर आप ये नैनो ट्यूब लेकर बना रहे हैं, उसका साइज कितना सा होगा, जो इतना बड़ा रेजिस्टर था वो इतना सा होता है, ठीक है। आपने पूरे सर्किट में जो करंट सप्लाई करना है, आपने उसमें नैनो ट्यूब लगा दी है कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर की जगह, उसका साइज बहुत, उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी, आपको दरअसल की जगह नहीं चाहिए, आपको इतना बड़ा डब्बे इतना टीपी नहीं चाहिए। ये इसमें जो नैनो सर्किट्स हैं, माइक्रो सर्किट्स हैं, माइक्रो रेजिस्टर्स हैं, उनमें यूज होती है एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एज वायरिंग यूज होती है प्रॉपर। इस वजह से हमारी टेक्निक सेमी कंडक्टर्स में जी, सेमी कंडक्टर्स कंडक्टर्स में सेमी कंडक्टर नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूं वैसे सब, मतलब वो चिप्स वगैरह उनमें जो माइक्रो चिप्स होती है उनके अंदर, पहले हमें जो माइक्रो चिप्स के अंदर भी ना जो तार नजर आती थी वो नजर आती थी वायर से, अभी की आप रिसेंट लेटेस्ट चीजों की माइक्रो चिप्स आप देखें कितनी तीन चिप्स होती है आपकी, जो सिम कार्ड की जो चिप होती है ये आपको इसके अंदर कुछ नजर आ रहा है तार शायद।